सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आगे करेंगे, इसका शायद एक या दो वीडियो ग्रुप पे है, एक ही वीडियो है दो है, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मैंने जितना पढ़ाया और जो भी वीडियो अपलोड करेंगे 12-1 बजे रात को भी जग करके तीनों के तीनों वीडियो देखते हैं, समझ रहे हैं? और इसलिए वो देखते हैं ताकि उनको पढ़ने की इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं, एजुर्वीज। देखो इसमें और भी आगे मैंने करा दिया था, अब आगे देखते हैं हम लोग। मैंने तीनों सेक्टर्स आप लोगों को बता दिए, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो केवल किसी ना किसी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करते हैं, कच्चा सामान प्रोड्यूस करते हैं। अब वो किस तरह से हो सकता है? अगर आप माइनिंग करके लोहा निकालते हो खोद करके जमीन के अंदर से, तो रॉ मटेरियल। अब उस लोहे को सीधे हम जाकर के दुकान से खरीद सकते हैं, उस लोहे को मिट्टी में मिले हुए को? नहीं, इट्स अ रॉ मटेरियल। लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्रियों में जाएगा तो उसी कच्चे लोहे को प्रोसेस करके कोई चीज बना देंगे। सेकेंडरी सेक्टर में खरीदेंगे ना, सेकेंडरी सेक्टर में खरीदेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। उस रॉ मटेरियल से ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए, ऐसा उत्पाद बनाया जाए जो कि उपभोक्ता या कंज्यूमर यूज कर सके। अब मान लो लोहे का फावड़ा बना हो फैक्ट्री में, या लोहे की सीट बनी हो, लोहे का या प्लास्टिक की टेबल कुर्सी चेयर जो भी है, ये तो फैक्ट्री में बनती है ना, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में। कुर्सी द्वितीयक क्षेत्र, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब कि क्या सेकेंडरी सेक्टर में ही माना जाएगा, बस मेरे। जो चीज फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, गेहूं प्राइमरी सेक्टर का चीज है, लेकिन बिस्किट सेकेंडरी सेक्टर का है क्योंकि फैक्ट्रियों में बनता है, और गेहूं फैक्ट्रियों में नहीं बनता, खेतों से आता है। गेहूं प्राइमरी सेक्टर का चीज है, लेकिन उसी गेहूं का अगर आटा बना करके कोई पैक कर रहा है, जो फ्लोर मिल होते हैं, आटा चक्की जो होती है, तो आटा चक्की सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेस करने का काम, रॉ मटेरियल को किसी तरह ऐसा प्रोसेस करना कि कंज्यूमर उसको यूज कर सके, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। आगे देखते हैं, लिखा तो है, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं। हम बोलो बेटा क्या करें, नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी मशीनरी जो होती है ना, मशीनरी को ऑपरेट करने वाले टर्शियरी सेक्टर में होंगे, जो सर्विस सेक्टर कहा जाएगा, क्योंकि वो सेवा दे रहे हैं। जो मशीन बनती कहाँ है, वो तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में ही तो मशीन बनाई जाती है ना, तो वो मशीन हमेशा सेकेंडरी सेक्टर का होता है, ठीक है ना, तो प्राइमरी का है ना तो टर्शियरी का। अब सेकेंडरी सेक्टर में वो होते हैं जिनको की क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है, मतलब कि सीन्स दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट केम अप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अलग अलग तरह के जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उद्योगों से बड़ा या कारखाने, कल कारखाने जो होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उसको सेकेंडरी सेक्टर में लोग मान के चलते हैं। लटूरे बड़े हो गए हैं, या तो छोटी बनाओ नहीं तो मुंडन कराओ। टर्शरी सेक्टर को भैया हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। सिंपल सी बात, जहां भी किसी भी तरह की सर्विस की बात होगी, आप उसको तृतीयक क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर डायरेक्ट कर सकते हैं। अब एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके फादर अगर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर में एक लेबर भी तू ये डरा रही है, श्राप दे रही है, आशीर्वाद दे रही है? देखो टैलेंट, फिर भी इतना अच्छा समझा रही है। अब मानसु जितने भी चैप्टर पीछे के इसी तरह समझा देगी जो मैंने नहीं पढ़ा, और ये भी टेस्ट देगी, सब बच्चे भी टेस्ट देंगे। हाँ तो SST बन समझाओ, SST ही बाकी है केवल। अब देखिए, हाँ लेबर का बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ लेबर का। लेबर कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता, वो अपनी सर्विस देता है।
इसलिए सर्विस सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में हो गया, तृतीयक क्षेत्र में हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ने का काम करते हैं वो सारे के सारे टर्शियरी सेक्टर में आएंगे, ठीक है। लेबर अगर खेतों में काम कर रहा है, एक लेबर जो कि फार्म लैंड में या कृषि श्रमिक है, समझने की कोशिश करिए, गांव में फसल काट रहा हो, फसल बो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, जो फसल उग रही है वो प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन जो लेबर काम कर रहा है, जो अपनी सर्विस दे रहा है, लेबर की सर्विस दे रहा है, वो टर्शियरी सेक्टर है, क्योंकि वो उसकी सर्विस सर्विस हमेशा टर्शियरी सेक्टर में आता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ब्रॉड लाइन में जो भी टर्म्स लिख रहते हैं एनसीईआरटी में ना, नाइन्थ हो या टेंथ हो, ठीक है ना, आपका टीचर जो होगा या जो बोर्ड में क्वेश्चन बने आएगा उसी के अंदर से आएगा, तो एकदम बिल्कुल बारीकी से समझिए इसको। देखो, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन इस सेक्टर, मैंने आपको डबल काउंटिंग सिस्टम, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम के बारे में बताया था। देखिए क्या, मैं आपको बता, मान लीजिए फाइनल गुड एंड सर्विसेज क्या होता है, चलिए देखिए, देखो मैं आपको समझा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, एक ईयर में अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक, मान लो एक साल पूरा हो गया, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब भारत के क्षेत्र में जितना भी तरह का प्रोडक्शन किया गया, बिस्किट से लेके सेफ्टी पिन से लेकर के चप्पल जूते जो भी बना है, जितना भी चीज प्रोडक्शन, फाइनल गुड। अब बेटा अगर बिस्किट बन गई आटे से या गेहूं से, तो अब बिस्किट को दोबारा और भी कुछ चीजें प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि दुकानदार आएगा फैक्ट्री वाला और आपके सामने खड़ा हो जाएगा और बिस्किट को डुबो डुबो के चाय में आपके मुंह में खिलाएगा, ये तो नहीं है ना। बिस्किट फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब कि जिसको आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। अगर मैगी आप घर में लेके आते हो, याद रखना, बहुत बच्चे इस पे भी मेरे पास पिछले साल मेरे खून पी गए थे कि सर मैगी तो घर में लाते हैं बनाते हैं, तो ये तो फाइनल गुड नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको तो हम लोग प्रोसेस करते हैं, ऐसा नहीं। अगर मैगी भी आप घर में लाते हो तो फाइनल है, कंपनी ने पूरा फाइनल बना के दिया है आपको। अब उसको ऐसा नहीं है ना कि आपको हॉस्पिटल भेज के सुआ लगवाना है, फिर क्या कहते हैं धूप में सुखाना है या प्रोसेस करवाना है, वो तैयार सामान है। तो वैसे प्रोडक्ट जो फाइनल गुड है, अगर आप कार खरीद के लाते हो तो फाइनल गुड है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करवाना, आप सीधे उसको यूज करेंगे, रेडी टू यूज, सीधे यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार सामान को फाइनल गुड कहा जाता है। तो जीडीपी में किन चीजों को शामिल किया जाता है, एक कंट्री के अंदर एक साल में जितने भी प्रोडक्ट या उत्पाद बनाए जाते हैं, बिस्किट, कार, जूते, कपड़े, जो भी, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू क्या है, और दूसरी जितनी भी सर्विसेज दी जाती है, एक डॉक्टर का, टीचर का, इंजीनियर का, प्रोफेसर का, लेबर का, मैकेनिक का, जितना भी जो वर्कफोर्स है जो सर्विस देता है, इन सबों का जो वैल्यू है उसको जोड़ा जाता है, वही जीडीपी है। मैं बता रहा हूं, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि आप एक फैक्ट्री लगाते हो तो आप उस फैक्ट्री के मालिक हो, आपको पता है उस फैक्ट्री में कितना सामान बन रहा है, और भारत एक देश है और भारत मान लो कि उसके अंडर में सारी फैक्ट्रियां हैं, तो एक अगर फैमिली की तरह देखो, घर की तरह देखो, तो भारत के अंदर टोटल कितना पैसा है, कितना सामान बनाता है और कितनी सर्विसेज की वैल्यू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आपकी मदर कुछ ना कुछ सर्विस करती है, आपको पता है सर्विस प्रोवाइडर है, आपके पापा जॉब करते हैं वो भी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। अगर आप लोग कोई अगरबत्ती बनाना स्टार्ट कर दो, पापड़ बनाना स्टार्ट कर दो, आचार जैसे कि जो हाउस होल्ड, हाउस मेड जो भी चीजें होती है, तो आप एक प्रोड्यूसर बन जाएंगे, आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है? एक छोटी सी अगर फैक्ट्री या लगा लो या थोड़ा सा
एक प्लांट लगा लो जिसमें आपने खुद ही एक, जैसे आप लोग चार पांच आपके पापा या दोस्त लोग मिल जाए और खुद छोटी सी फैक्ट्री लगा ले जिसमें कि कॉपी किताब या कागज जो बनती है वो बनाने स्टार्ट कर दे, तो प्रोड्यूसर हो गए ना, समझ में आ रहा है, प्रोड्यूसर हो गए। और मम्मी अगर दूसरी तरह का काम कर रही है, सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विस कर रही है। आपकी मम्मी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और पापा ने एक अपनी इंडस्ट्री लगा ली, तो वो एक प्रोड्यूसर हो गए। आपके दादाजी जो गांव में वो खेती कर रहे हैं, चाचा जी खेती कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रोड्यूसर है, नो सर्विस प्रोवाइडर, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस तो कर रहे हैं ना, प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल, ये बात, अपना खुद का काम जो होता है वही प्रोडक्शन कहलाता है। और जब आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने घर में देखो तो आपके दादाजी, आपके चाचा जी खेती करते हैं गांव में, आपके पापा यहाँ कोई जॉब कर रहे हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो प्रोड्यूसर है। आपके पापा ने फैक्ट्री लगा ली तो ये फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके दादाजी खेत में प्राइमरी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके मामा जी मान लो कि अगर डेयरी का बना रखा है उन्होंने, मतलब कि गाय भैंस बहुत ज्यादा 50 या 20-25 पालते हैं, तो वो भी प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूसर। और अगर आपकी मम्मी या कोई ऐसे हैं जो लोग की सर्विस प्रोवाइड, मान लो कि टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है या और भी कोई काम कर सकते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो अब टोटल कमाई पूछी जाएगी, मैं पूछूंगा तो आप कहोगे ना, नहीं पूरी फैमिली का बताओ, हाँ तो मामा जी इतना प्रोडक्शन करके 20 लाख महीने का कमाते हैं, दादाजी क्या कहते हैं 15 लाख कमाते हैं साल का करें, पापा क्या कहते हैं प्लांट लगा रखा है तो 3 करोड़ कमाते हैं साल का, मम्मी मम्मी भी सर 10-12 लाख कमा लेती है। तो सर्विस प्लस प्रोडक्शन, समझ में आया? तो ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके घर का हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर पूरे कंट्री का पूछा जाए तो वही बात है, कंट्री में जो लोग खेती करते हैं, जो लोग माइनिंग करते हैं, जो लोग फैक्ट्री लगाते हैं, उनका जो प्रोडक्शन हो गया तो प्रोड्यूसर हो गए, और जितना लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सर्विस जो करते हैं, मजदूर होते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर। इन सबों की वैल्यू को, कमाई को जोड़ दिया जाता है, इसी को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, शिवाजी, बहनों पे ट्राई करिएगा। आगे देखिए, तो अब आप खुद सोचो एक बात, अब कंट्री के सामने आता है कि जीडीपी कैलकुलेट करने, पूरे देश की कितनी वैल्यू है, सुन ले बेटे, सुन दे, वो पालमपुर तो छोटी मोटी चीज है, चिट्ठी मरी। तो एक किसान ने जो गेहूं उगाया एज ए प्रोड्यूसर, उसकी मान लो कि 8 रुपए 80 रुपए या 20 रुपए जो भी है, वो भी कैलकुलेट कर लिया गया, जोड़ लेगा, हाँ भाई इस आदमी ने क्या कहते हैं 800 रुपए का, एक आदमी के पास गेहूं था, उसने क्या किया कि उस फैक्ट्री में बेच दिया, ठीक है, फैक्ट्री में उसने 1000 में बेच दिया, ठीक है। अब फैक्ट्री वाले ने क्या किया, आटा, ये फ्लोर मिल को बेचा है, आटा चक्की वाले को, आटा चक्की वाले ने क्या किया कि उस आटे को एक बिस्किट फैक्ट्री में बेचा 1500 रुपए का। मेरी बात सुनिए ना, छोड़िए ना वो सब। अब बिस्किट फैक्ट्री ने वो चीज जब हमको बिस्किट बना के भेजी तो उसका एक बिस्किट के वैल्यू क्या हुआ, 2000 रुपए हो गया। वही गेहूं था, गेहूं को 800, 1000, 1500, 2000 इतना जोड़ा जाए तो कितना वैल्यू निकल जाएगा। तो सरकार ने क्या किया कि फाइनल गुड क्या है, ये जो गेहूं था आटा चक्की में गया या ये बिस्किट फैक्ट्री, सॉरी फ्लोर मिल में गया और बिस्किट फैक्ट्री में है, सरकार ये देखेगी कि कहां जाके ये फाइनल हो गया, अंतिम उत्पाद कहते हैं फाइनल गुड को, अंतिम उत्पाद, हाँ मतलब अब उसको और आगे आप प्रोसेस ना कर पाओ। तो सरकार जीडीपी में फाइनल गुड और फाइनल सर्विसेज को केवल काउंट करती है ताकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सके। डबल काउंटिंग के ऊपर इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो 11th क्लास में पढ़ा है। सारी रामायण खत्म होगी, भैया जी पूछ रहे सीता मैया का जरा टाइटल बताइएगा।
तो वही है ना, अगर आप एक बार गेहूं को भी जोड़ लेते, आटे फ्लोर मिल में भी उसकी कितने आटा कितने वैल्यू का है और बिस्किट फैक्ट्री में भी कितने की बिस्किट बना रहा है, ये सब जोड़ लेते तो तीन बार या चार बार जोड़ लिया जाता ना। लेकिन हमने क्या किया, ना हमने गेहूं जोड़ा ना हमने ये आटा जोड़ा। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं ना, फाइनल गुड को केवल कैलकुलेट जीडीपी में किया जाता है। समझ रहे बात को? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मतलब कि क्या कहते हैं, रॉन्ग एस्टिमेशन हो जाता है, ठीक है। कंट्री के जीडीपी का रॉन्ग एस्टिमेशन या गलत मूल्यांकन, ठीक है, हो जाता। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, केवल फाइनल गुड को ही और सर्विसेज को काउंट करते हैं। अब देखिए, देयर इज नो प्रिकॉशन वन हैज टू टेक, नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। हाँ बोलो। सरप्लस। अच्छा, मैं ट्रांसलेट करने से काम चल जाएगा। मेरी बात सुनो, अगर आपके पास एक किले जमीन है, 20 लोग आपकी फैमिली में है, ठीक है, आपने 20 क्विंटल गेहूं उगा लिया और 10 क्विंटल में आपका खर्चा चल गया, मतलब आपके खाने से का हो गया, तो जो 10 क्विंटल एक्स्ट्रा बचा उसी को सरप्लस कहा जाता है। आपके पापा मान लो कि 90 करोड़ रुपए पर मंथ कमाते हैं, आपका 80 करोड़ में घर चल गया, तो 10 करोड़ जो बच गया वही सरप्लस है। तो मैं अभी से ही तो पूछ रहे थे आप। चलिए देखिएगा, हो गया, सरपंच बन गए, पूछो। वो आदमी सर्विस प्रोवाइडर है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने खेत को खुद काटते हैं तो सर्विस नहीं दे रहे हैं। अभी भी याद रखिए जी, हाँ, अगर दूसरा कर रहा है तभी होगा, लेकिन जीडीपी में उसको भी इंक्लूड किया जाता है। सर्विस प्रोवाइडर, ये भी कहने के जॉब तो कर, मैंने कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना सर्विस प्रोवाइडर। या बिल्कुल, कोई भी आदमी कहीं जाके कुछ करे और बदले में उसको सैलरी मिले, बिल्कुल सर्विस प्रोवाइडर। और कोई आदमी जॉब करे या कुछ भी काम ऐसा करे और उसमें उसका अपना क्या कहते हैं, खुद का कुछ ना कुछ बनाए, प्रॉफिट कमाए, तो उसको मैंने प्रोड्यूसर कहे। क्लियर है? क्या काम की चीज है ना, मतलब दिन भर पबजी सब्जी खेलते रहते हैं बच्चे, इसमें कितना मजेदार चीज है, इतना टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। मैं भाव विहोर हो गया था इसलिए खोपड़िया से लगा लिया। देखिएगा, देखिए, एक पहला कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग, ये पेपर के लिए बहुत रेलेवेंट है। मैं यहाँ वीडियो में अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। How do we count the various goods and services and now know the total production in a sector? आप कैसे अलग अलग चीजों को काउंट करते हो अपनी इकोनॉमी में और उसकी वैल्यू, प्रोडक्शन की जो टोटल प्रोडक्शन होती है अलग अलग सेक्टर में, उसको कैसे इंक्लूड करते हो, कैसे शामिल करते हो कैलकुलेशन, फाइनल गुड क्यों करेंगे, बात करें। तुम सोच भी नहीं सकते ना मेरे खोपड़िया में कितना चक्कर आता है घर जाने के बाद, और फिर भी एक घंटा रेस्ट के बाद कुछ चार घंटा स्पीड करना पड़ता है, खून सूख जाता है खोपड़ी का मेरा। देखिए बेटा, आगे अगला कॉन्सेप्ट है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. मैं तो बता ही दिया सारी बात। मान लीजिए ना, आप जा सकते हो, तो ये ऊपर ही रहती है, फिर इतना घबरा रही है, बैठ के कुछ पढ़ाई कर लेती, जा। गुड। आपके भाई भी है क्या छोटा? कितने दो ही बहन हो आप लोग बस? अच्छा ठीक, ओके। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। आराम से बैठो, जाओ। देखिएगा,
एक साल के अंदर एक सेक्टर में जो टोटल प्रोडक्शन और सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो वही उसका फाइनल गुड का वैल्यू होता है। सिंपल सी बात है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर। क्या बोल गया मैं पता नहीं, छोटा यही ये जीडीपी में इंक्लूड होता है, वही बताया था ना पहले मैंने कि एक साल के अंदर एक सेक्टर में जितनी भी सर्विस या प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया जाता है वो टोटल का टोटल फाइनल गुड जो प्रोड्यूस किया जाता है सर्विसेज उसी को जीडीपी में हम लोग इंक्लूड करते हैं। सो एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी ऑफ अ कंट्री। अब तीनों सेक्टरों में जितना प्रोडक्शन हुआ है, जितनी भी सर्विसेज दी गई है, उन सबों को अगर हम ऐड कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि उस कंट्री में कितना जीडीपी है, कंट्री की जीडीपी क्या है। बात समझ में आ गई, नहीं आई, क्लियर है? ठीक, फाइनल गुड्स तीनों सेक्टर के और फाइनल सर्विसेज तीनों सेक्टर के हम लोग जोड़ लेंगे, बात खत्म। ठीक है, तीन ही सेक्टर तो होती है, चौथी तो सेक्टर ही नहीं आ सकती। फाइनल, हाँ बिल्कुल, किसने कहा? अरे भाई तो कभी कभी गेहूं भी डायरेक्ट एक फाइनल गुड होता है ना, जिसको हम लोग खाते हैं, घर में लाते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है सारे गेहूं की बिस्किट ही बनेगी, तो फाइनल गुड है गेहूं ही। हाँ जी, तो मतलब वो गेहूं जो फैक्ट्रियों के लिए जाता है या जो उसकी सप्लाई में जाता है उसमें बिस्कुट को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो गेहूं जो मंडियों में जाता है और सीधे वो गेहूं हम लोग खरीद के ले आते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर गेहूं किसान ने गेहूं उगाया और मंडी में बेच गया और मंडी से डायरेक्ट हम और आपके जैसे लोग या होलसेलर या रिटेलर दुकान पे लाते हैं और सीधे हमको बेचते हैं, हाँ तो गेहूं वही गेहूं फाइनल गुड है हमारे लिए। कंज्यूमर जिसको डायरेक्ट खरीद के अपने यूज में लाता है वो फाइनल। कॉल कर लेना, क्या हुआ फिर कर लेना, ठीक, समझ में आया आप लोगों को? नहीं भाई, कितना खून पीते हो। देखो हम ये कह रहे हैं कि किसी किसान ने गेहूं उगाया, हाँ तो वही गेहूं फाइनल गुड वहां हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिर्फ अपना एक दिमाग में ना क्लियर रखना कॉन्सेप्ट, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि जिस चीज को डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर ले, हम बिस्किट यूज करते हैं, हम बिस्किट बनाते नहीं है, हम दुकान पे जाएंगे एक बॉबन बिस्किट बीबी बिस्किट खरीदेंगे और खरीद के खा जाएंगे, हम लोग कंज्यूमर है और हमारे लिए फाइनल गुड है, बात खत्म। ठीक है बोलो, हाँ प्राइमरी सेक्टर से ले सकते हैं बिल्कुल, मिल्क, बिल्कुल मिल्क हो गया, फिश हो गई, मीट हो गया, एग हो गया, प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट हम ले लेते हैं। कैसे? नहीं नहीं मेरी, क्यों क्यों क्यों, एक मुर्गे वाले के पास गया, मुर्गा फड़फड़ा रहा था, काट के दे दिया आपको, ठीक है, तो वो जो हो गया वो सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडर था। लेकिन अगर आपने घर में खुद का मुर्गा पाल रखा है तो बात ही खत्म, ठीक है ना? मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूं आपको, गेहूं, गेहूं जब अगर बनिए से खरीदते हो तो वो भी तो सर्विस प्रोवाइडर ही है, एक दुकानदार आपको दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो फाइनल गुड गेहूं की ही तो कीमत जुड़ेगी ना, क्योंकि गेहूं को कोई प्रोसेस तो नहीं किया उसने। चिकन शॉप पे जाओगे, राम भजो सावन का महीना है, भोले का नाम लो, अगर चिकन की दुकान पे जाओगे तो चिकन वाला ऐसा नहीं है ना कि वो शक्तिमान बना देगा उस मुर्गे को और लो बाबूजी शक्तिमान, कोई प्रोसेस नहीं करेगा। जो चिकन की कीमत है वो फाइनल गुड है, वो चिकन एक फाइनल गुड है, वो चाहे जैसे आपके पास है। बस मेरे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, अब जैसे जैसे समय बीता गया तो किस तरह से चेंजेस आए हैं सारे सेक्टर्स में, क्या खाती है रे, हमेशा हाथ उठाई रहता है इसका,
नहीं है पूछो पूछो, चलिए देखिए आगे देखेंगे। बेटा छोटे बच्चों की चीज थी, कोई तेरे कम की, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, अभी जो छोटे बच्चे हैं ना हमारे क्लास में, उनको थोड़ा बूस्टअप भी करना है ना, वो थोड़ा लेवल नहीं बन पा रहा है उनका, मैं पढ़ाऊं उनका लेवल नहीं बने तो उसमें देखो बेटा, मैंने कहा हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, सेक्टर्स में हिस्टोरिकल चेंज आया। देखो जब हम लोग आजाद हुए तो हमारे पास इंडस्ट्री का, उद्योगों का बड़ा अभाव था। अब इंडस्ट्री का अभाव था, लोग एजुकेटेड कम थे, लोगों के पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंडस्ट्री का अभाव है, इसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर कमजोर था। इंडस्ट्री नहीं तो द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियों में ही तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है। अब ना तो उतने डॉक्टर थे, ना उतने इंजीनियर थे, ना उतने बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर थे, बैंक्स उतने नहीं थी, इंश्योरेंस उतना कंपनियां उतनी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊं कि 80% से अधिक पॉपुलेशन आजादी के बाद, आजादी के मिलने के जो फर्स्ट डिकेड बाद की बात कर रहे हैं, 1950 से 60 70 के बीच में 80% पॉपुलेशन केवल प्राइमरी सेक्टर पे इन्वॉल्व थे, अपने रोजगार के लिए या पेट पालने के लिए, या तो खेती बाड़ी करते थे या तो पशुपालन करते थे, और नहीं तो खनन का काम, फिशरी का काम, ये सब करते थे। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, औद्योगिक विकास हुआ हमारे देश का, तो वो कुछ यहाँ पॉपुलेशन जो प्राइमरी सेक्टर पे पूरी डिपेंडेंट थी, वो धीरे से वहां से बढ़ते बढ़ते वो कहाँ शिफ्ट हुई, सेकेंडरी सेक्टर पे, इंडस्ट्रियां बढ़ने लगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, संचार क्रांति, बहुत लोगों को रोजगार मिला, ट्रांसपोर्टेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, मतलब परिवहन के साधन बढ़े, सब कुछ बढ़ने लगा, लोग एजुकेटेड होने लगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार की उत्पत्ति हुई, अधिकतर लोग शहरों की तरफ रुख करने लगे, तो टर्शियरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट हुआ। आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस आप कह सकते हैं संचार तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी का। जैसे ही भारत में विकास हुआ तो टर्शियरी सेक्टर ने हमारे जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देना स्टार्ट कर, हमारे जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद में जो तीन सेक्टरों के प्रोडक्शन और सर्विसेज को जोड़ा जाता है, उसमें अभी सबसे अधिक सर्विस सेक्टर ही आगे है। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है, सबसे अधिक उसी का हिस्सा है, याद रखिए। और ये कैसे हुआ, यही था हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, और ये धीरे धीरे ये सारे चेंजेस हुए, और ये कब कैसे क्या हुआ ये सारा बात। सेकेंडरी बेटा बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी होती है, अगर द्वितीयक क्षेत्र ना हो तो कोई भी सपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। हर तीनों के तीनों एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट कर सकते हैं, अंतर संबंधित। सब मेन है बेटा, प्राइमरी सेक्टर हो और किसी तरह का इंडस्ट्री ना हो, कुछ ना हो, तो फिर विकास नहीं हो सकता। और प्राइमरी सेक्टर ना हो तो क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर उत्पाद प्रोड्यूस किसको करेगा, प्रोसेस किसको करेगा, बिल्कुल। और जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो सर्विस वाले बैठ के किस चीज की सर्विस देंगे, है ना, सिंपल बात है। देखिएगा एक डाटा मैं आपको दिखाऊंगा, पता चलेगा कि 1973-74 में अगर आप देखो तो प्राइमरी सेक्टर जो हमारी थी वो 5,00,000 करोड़ से पूरा का पूरा जो देश का जीडीपी था वो लगभग लगभग आप मान लो
6 से 7 लाख करोड़ का था, 6.5 से 7 लाख करोड़ का, जिसमें कि प्राइमरी सेक्टर जो था, जो आपका था, वो लगभग लगभग आपका 50% से भी ज्यादा था, सेकेंडरी सेक्टर आपका 10 से 12% तक होगा, और 50% टर्शियरी सेक्टर था। 1973-74 की बात कर रहे हैं, आजादी की बात नहीं, आजादी में तो और भी प्राइमरी सेक्टर ऊपर रहा होगा। लेकिन वही 2013-14 की बात करें तो हमारी पूरी की पूरी जीडीपी 56 से 56.5 लाख करोड़ की हो गई, 56 से 56.5 लाख करोड़ की हो गई। और जिसमें कि अगर आप इसकी बात करो प्राइमरी सेक्टर की, तो वो इसमें केवल 7 लाख करोड़ का हिस्सा था प्राइमरी सेक्टर का, और 7 लाख से 22.5 लाख जोड़ लो तो कितने हो गए, 22.5 में 7.5 को माइनस कर दो, माइनस करो ना, 22 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ले तू तो बता, मैं इतना आता तेरे हैं 15। तो मतलब कि 7.5 लाख करोड़ करीब प्राइमरी सेक्टर था, 15 लाख करोड़ सेकेंडरी सेक्टर, और जो बच गया वो सारा का सारा सर्विस सेक्टर। ये 2013-14 की बात करें तो 50% नहीं बेटे, 50% से भी ज्यादा आज के डेट में अभी भी आपका सर्विस सेक्टर ही हमारे जीडीपी में योगदान देता है। और ये आप मत जानो, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आता है ये तीनों सेक्टर के ऊपर। आप इस चैप्टर को बेटा 10वीं का समझ के मत पढ़ो, हमारे 7वीं क्लास के बच्चे और 8वीं क्लास के बच्चे भी आज की डेट में इतिहास और भूगोल नागरिक उस कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को बताते हैं कि ये इस पेपर में आया था, ये तेरे पेपर में जब बड़ा होगा तो आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अभी याद रखिएगा, द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इतना रेलेवेंट है, आप अगर अच्छा पेपर दोगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से कहीं बाहर से एनसीईआरटी छोड़ के क्वेश्चन नहीं आता, ना आपके 10वीं 12वीं के बोर्ड में और ना आपके जनरल कॉम्पिटिशन में। देखिए, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया 2013-14 में आप देखोगे, अभी हम 21-22 में हैं, तो अब तो और भी बढ़ा होगा या लगभग उससे कम तो नहीं हुआ है, ठीक है, ज्यादा हुआ है। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, पहले तो प्राइमरी सेक्टर ही हमारा ज्यादा बढ़ा था, अब ये कहां से हो गया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा जिससे टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र इतना आगे बढ़ गया, और वो कारण क्या था। देखिए, Over the 40 years between 1973-74 and 2013-14, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. आजादी के बाद 73-74 से लेके अगर आप 13-14 की बात करें तो 40 सालों में primary sector ने, tertiary sector ने भारत के जीडीपी में सबसे बड़े प्रोड्यूसर का रोल अदा किया, और जो पहले प्राइमरी सेक्टर था उसको हटा के अब टर्शियरी सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर या योगदानकारी तत्व बन गया। व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकम सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया, देयर कुड बी सेवरल रीजंस, और ये एनसीईआरटी का एज इट इज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वीडियो में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, इसी को लिखना है आपको पेपर। पहला, फर्स्ट क्या कारण था, जितने भी नाम लिए ये सारे के सारे सर्विस किसी देश के विकास के लिए जरूरी है या नहीं, और ये सब टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। एक पुलिस वाला टर्शियरी सेक्टर है, एक जज टर्शियरी सेक्टर, टीचर टर्शियरी सेक्टर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, और बदले में जिसको सैलरी मिलती है। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज, इसको बेसिक सर्विसेज या मूलभूत सेवा कहते हैं, मूल सेवाएं या मूलभूत सेवाएं हैं। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजंस ऑफ दिस सर्विसेज, और एक डेवलपिंग कंट्री में ये सारी सर्विस कौन देता है, सरकार देती है, सरकार उसके लिए जिम्मेवार है इन सारी सेवाओं, सरकार बेटा
प्राइमरी टर्शियरी सेक्टर ही मान सकते हो, और ना तो वो खेत में गेहूं उगाती है और ना फैक्ट्री में बिस्किट बनाती है कि नहीं, सर्विस प्रोवाइडर है बिल्कुल। या तो पहला चीज समझ गए, एक डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में इन सब बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है, तो सरकार ने पे ध्यान दिया, टर्शियरी सेक्टर ग्रो किया। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सर्विसेज। अगर आपको प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर को ज्यादा आगे बढ़ाना है, ज्यादा डेवलप करना है, तो टर्शियरी सेक्टर का होना जरूरी है। अगर आपके खेत में उगे हुए फसल को पूरे दुनिया में घूमना है, आपके बागीचे में फले हुए अल्फांसो मैंगो जो है, अल्फांसो मैंगो जो होता है, उसको यूरोप के मार्केट में जाना है, तो बिना टर्शियरी सेक्टर के कैसे होगा? ट्रांसपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। एक्सपर्टाइज मतलब जो दिमाग लगाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेसमैन जो होते हैं, वो उनके बिना जा नहीं सकता। तो बिना सर्विस के, टर्शियरी सेक्टर के, ना तो प्राइमरी सेक्टर डेवलपमेंट कर सकती है और ना सेकेंडरी सेक्टर। इसलिए भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए इन सब सेक्टर्स का भी विकास होगा। ठीक है, अब इसके जो तीन चार और रीजन मैं कल बताऊं, कल चैप्टर कंप्लीट करेंगे, छुट्टी करते हैं। ठीक है, ओके आयुष, कल करते हैं बेटा, ये वीडियो अपलोड कर देंगे, आप देख लेना। ठीक है।